हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोगों का मैं अजीत तिवारी अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, अगर आपका टारगेट 2022 है, 2023 है, इन ऑल केसेस एक ऑसम सीरीज आज मैं लॉन्च कर रहा हूं, एनुअल करंट अफेयर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी। माय फ्रेंड्स, इसमें लास्ट टू इयर्स में एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और मिसलेनियस में जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो हम यहां कवर करेंगे। आर रेडी गाइस? चलिए आइए हम आगे इस बात को देखते हैं गाइस। माय फ्रेंड्स, मायसेल्फ अजीत तिवारी हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 16 इयर्स एंड मेंटर्ड मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। गाइस, सीनियर मोस्ट फैकल्टी ऑफ दिल्ली, माय लेक्चर्स आर फ्यूज्ड विद द मेमोरी ट्रिक्स, और आप जानते हो द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। गाइस, एक ऑसम सीरीज आपके लिए मैं लेकर आया हूं, प्लस पे ऑलरेडी मेरी कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल, कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी मैंने गाइस कंप्लीट किया है। मेरे प्यार दोस्तों, एक ह्यूज ऑफलाइन एक्सपीरियंस के बाद हमारी टीम आपके लिए ऑनलाइन पे नंबर ऑफ बैच कोर्सेज लेकर आई है। आप किसी बैच कोर्स के लॉन्च होने का वेट न करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। गाइस, आज 25 नवंबर से 30 नवंबर तक हम लोग लॉन्च कर रहे हैं सेव ऑन कॉम्बो ऑफर। ओ माय गॉड, 25% डिस्काउंट विथ ऑप्शनल, 10% आप अजीत लाइव कोड पे, एंड फ्लैट 2500 ऑफ। ह्यूज ड्यूरेशन का 25 से 30 नवंबर जो कोर्स वन ईयर की कॉम्बो का जीएस प्लस ऑप्शनल 77,000 की थी, अब मैसिव डिस्काउंट के बाद ओनली 55,204 रुपीज की है। टू इयर्स का जो 1,12,000 की थी 79,775 की है। क्या करना है? अजीत लाइव कोड ऑफ सक्सेस डेडिकेशन डिटरमिनेशन यूज करना है, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको नो कॉस्ट ईएमआई गाइस अवेलेबल है। बात यही नहीं रुकी, 3 मंथ फ्री एक्सटेंशन के ऑफर। जैसे आपने अजीत लाइव कोड यूज किया गाइस, तो इस वन ईयर और उससे ज्यादा के एक्सटेंशन में आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है। माय फ्रेंड्स, अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट अनअकैडमी आपको रिवार्ड दे रही है। कैन यू बिलीव 6 करोड़ प्लस का 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स इन एक्साइटिंग रिवार्ड्स को विन करेंगे 28 नवंबर 11 AM। अजीत लाइव कोड यूज करना है और आपको ज्वाइन करना है गाइस। अ नंबर ऑफ ऑफर, कुछ ऑफर आज समाप्त हो रही हैं, तो 25 से 30 तक नए ऑफर्स लॉन्च हो रही हैं। माय फ्रेंड्स, स्टैंड आउट आइकॉनिक जीएस के साथ फ्री ऑप्शनल, चाहे वो 12 मंथ हो, 24 मंथ हो या 36 मंथ हो, आपके लिए गाइस अवेलेबल है। माय फ्रेंड्स, सो लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, लोनिंग फैसिलिटी, अगर आपके फादर सैलरीड हैं तो ये भी आपके लिए गाइस अवेलेबल है। 24 नवंबर आज से बैच स्टार्ट हुई है, 30 नवंबर से फिर बैच स्टार्ट होंगी। आप बैच स्टार्ट का वेट नहीं करेंगे। माय फ्रेंड्स, सो कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव, नो कॉस्ट ईएमआई फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है। आप क्या करें, तब तक आप यूट्यूब पे फ्री सेशंस करते रहे। डोंट मिस दिस सेशन, सीरीज इज गोइंग टू बी ऑसम। मेरे शब्दों में, सीरीज इज गोइंग टू बी झमाझम। गाइस, अगर आप मेरी बात समझ में आ रही है, गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो यू गाइस आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन। माय फ्रेंड्स, जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना ही आप सीखोगे। तो चैट सेगमेंट के बजाय कमेंट सेगमेंट में आप एंसर करने का प्रयास करोगे।
कोई मैटर नहीं, कोई काउंट नहीं करता, अगर आपका आंसर गलत हो जाए तो चिंता नहीं करेंगे। सो गाइस गेट रेडी फॉर द ऑसम टॉपिक। आइए बात करते हैं क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट की। क्वेश्चन इज क्या है कैश ऑन लाइन, क्या है, व्हाट इज दिस कैश ऑन लाइन। बिल्कुल पॉलमी, बहुत आशीर्वाद, वेलकम यति, संतोषी, सुशांत, धुआं, श्वेता, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार आप लोगों को। अगर किसी का नाम छूट गया आपको बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। कैश ऑन लाइन क्या है, क्या इस कैश ऑन लाइन का यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट से कुछ लेना देना है। क्वेश्चन इज समिट कहां हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि समिट कहां हुआ था। ठीक, व्हाट वाज द एम ऑफ कैश, कैश का एम क्या था, भारत ने क्या कमिटमेंट किया है, इंडियाज कमिटमेंट, क्या इसका UNFCCC के COP26 से कुछ लेना देना है, क्या इसका कुछ लेना देना है। गाइस हम आइए इन बातों को और समझते हैं, क्या इसका UNFCCC के COP26 से कुछ लेना देना है। आइए गाइस इन बातों पर प्रकाश डालते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स, वन बाय वन सेशन होगा बिल्कुल झमाझम। द मोर यू इंटरेक्ट, सुशांत मैं लिंक शेयर कर दूंगा अभी अपने टेलीग्राम चैनल में, ठीक, आप एनरोल कर लेंगे। ठीक, आप किसकी एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं आप मुझे बता दें। माय फ्रेंड्स 25 जनवरी को स्टार्ट हुआ था नीदरलैंड्स CAS क्लाइमेट एक्शन समिट। ओके सुशांत, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021 के बारे में बात करेंगे, एम क्या था, इंडिया का कमिटमेंट क्या है, क्या कितने लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, क्या ये छोटे लेवल पे था या एक बड़े लेवल पे था, आइए देखते हैं। गाइस इस कैश में मोर देन 30 वर्ल्ड लीडर्स, 50 मिनिस्टर्स, 50 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस गैदर टुगेदर विद साइंटिस्ट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ओवर 18,500 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स। ये पूरी की पूरी ऑनलाइन समिट हुई थी, ऑनलाइन। आपने कहा क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट ऑनलाइन होस्टेड बाय नीदरलैंड्स, ऑनलाइन भी, ये कोई छोटा समिट नहीं था। 27 डिफरेंट सेशंस टू शेयर नॉलेज। गाइस क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर के टुवर्ड्स इन 2030। माय डियर फ्रेंड्स आप क्लाइमेट के कार को देख रहे हो, कैसे उत्तराखंड में विंटर्स में आपने त्रासदी देखी है, याद है आपको, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था। मैं बहुत दुखी हूं, दुखी था। ऑलवेज हमें इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है। ऑलवेज चार धाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड का, पावर प्रोजेक्ट, तपोवन पावर प्रोजेक्ट, ऑलवेज हम डेवलपमेंट करें, लेकिन जो रीजन्स इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है वहां हमने प्रॉपर इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है। सो 300 स्पीकर्स ने अपनी इंसाइट्स, अपने प्लान्स दिया।
इन कैश 2021, ठीक, एडेप्टेशन एक्शन एजेंडा की फॉर्मेशन हुई जो एक गाइड होगा फॉर कमिंग ईयर्स टू एक्सलरेट एडेप्टेशन एक्शन। गाइस, अगर मैं भारत की बात करूं, ठीक, तो इंडिया पॉलिमी, अभी मैंने आपको एनवायरमेंट की पीपीटीज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी है, आपके कहने पे इसकी भी पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अभी ध्यान से पढ़ें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने एड्रेस में कहा कि भाई हमारा क्या टारगेट है, हम ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, बाय 2030 इंडिया विल टारगेट फॉर 50 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। आप देख रहे हो गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग एलईडी लाइट्स क्योंकि इनके थ्रू कार्बन एमिशन हो रहा है कम, ऑल्सो सेविंग 38 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पर ईयर, साथ साथ जितनी आप फॉरेस्ट कवर बढ़ाओगे, जितनी लैंड की रिस्टोरेशन करोगे, हमने हाईलाइट किया है कि भाई 2030 तक हम 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक क्विक समरी, जितने लोगों ने मुझे लेट ज्वाइन किया, हम बात कर रहे हैं CAS क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट जो 25 जनवरी को स्टार्ट हुआ था नीदरलैंड्स में, चूंकि ये ऑनलाइन हुआ था, आप इसे कैश ऑनलाइन बोलते हो। हम बात करेंगे एम क्या है इसका, हमने बात की है इंडिया की कमिटमेंट क्या है, आइए इस पे और प्रकाश डालते हैं वन बाय वन। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यार दोस्तों, रोज मंडे टू सैटरडे 10:30 पे आप मेरे सेशंस मिस मत करना, मैं हमेशा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के पूरे साल बोलता रहा, और जब प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम हुआ तो लोगों की आंखें खुली कि कैसे स्ट्रेट क्वेश्चन, चाहे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, मेरे कराए हुए आए। मेरा कोई इंटरेस्ट उन सवालों पे नहीं है जो आ चुके हैं, मेरा पूरा इंटरेस्ट उन सवालों पे है जो एग्जाम में आने वाला है। गाइस, अब जो ट्रेंड यूपीएससी की हो चुकी है, आप समझो आप बुक से, बेसिक बुक से कंसेप्ट क्लियर करोगे, और ऑलवेज मैं उस पे वैल्यू एडिशन करेंट ऐड करते जाऊंगा, ये मेरा आपके लिए वादा है। दिव्यांश ठाकुर कैसे हैं आप, आइए इन बातों को और समझते हैं वन बाय वन। माय डियर फ्रेंड्स, तो हम इसके एम की बात करेंगे, इंडिया की कमिटमेंट की बात करेंगे, होस्टेड बाय नीदरलैंड्स 25 जनवरी 2021, चूंकि ये ऑनलाइन हुई, आप इसे कैश ऑनलाइन बोलोगे, यही क्वेश्चन आ जाए कैश ऑनलाइन इज रिलेटेड टू ए कैश ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, क्या क्या, CASH ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, दूसरा क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट, तीसरा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन समिट, चौथा नन ऑफ द अबव। लोग इसी में कंफ्यूज करेंगे, दिस समिट वॉज बिल्ट ऑन एडवांसेस ऑफ UN क्लाइमेट एक्शन समिट। गाइस,
समिट ऑल्सो सो केस पायनियरिंग सॉल्यूशन ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी एंड सस्टेनिंग मोमेंटम थ्रू UNFCCC COP26। बहुत जल्दी ही जितने महत्वपूर्ण UNFCCC के COPs हैं वो मैं इस चैनल पे आपके लिए लेकर आने वाला हूं। गाइस, अगर हमने अपने क्लाइमेट के साथ लापरवाही किया, जो हम कर रहे हैं, डेवलप कंट्रीज कर रही हैं, कुछ डेवलपिंग कर रही हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा कर रही हैं, तो हालात ऐसे ही होंगे। आपको दिख रहा है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। कितनी बार गाइस ऐसा होगा, ग्लेशियर मेल्ट होगा तो नंबर ऑफ इफीमिरल रिवर्स, शॉर्ट लिव नदियां बनेंगी। और जब इस शॉर्ट लिव नदियां बनेंगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ये ऐड करेंगी समुद्रों में। और गाइस, जब ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर समुद्रों में ऐड होंगी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कैसे सी लेवल राइज करेगा। और जब सी लेवल राइज करेगा गाइस, तो जाहिर सी बात है कोस्टल रीजन की सबमर्जेंस होंगी। हमें क्लाइमेट एडेप्टेशन पर कार्य करने की सख्त जरूरत है। गैस विल हेल्प इन डिलीवरिंग एक्शन एंड इंस्पायर द चेंज टू हेल्प सोसाइटीज बिल्ड बैक बेटर। ऑर्गेनाइजेशन जो समिट के ऑर्गेनाइजेशन थे, ऑल्सो कॉल्ड फॉर मेजर न्यू फंडिंग फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। कैसे इंक्रीज टेम्परेचर में हम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल्सो एक्सपेंडेड एसेस टू फार्मर एडवाइजरी सर्विसेस। गाइस, हमें अपने फार्मर्स को अवेयर करने की जरूरत है। रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। आपको इन बातों को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन इज, क्यों ना हम इसके एम को क्लाइमेट एक्शन समिट ऑनलाइन 2021 के एम को समराइज करें। आइए इसके एम को गाइस समराइज करते हैं। समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड विद द एम ऑफ रियलाइजिंग ट्रांजिशंस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अ क्लाइमेट रेजिलिएंट वर्ल्ड। गाइस, कोरोना के बाद आपने देखा कैसे हम लोगों का लाइफ स्टाइल बदल गया है, है ना? कैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज पे भी आपको क्लाइमेट चेंज की मार दिख रही है। रेन फॉल का इरेगुलर होना, ठीक, हमारे फार्मर्स, इंडिया की बात करूं, हमारी कृषि मॉनसून डिपेंडेंट मेनली है। फार्मर्स के पास लैंड होल्डिंग छोटी है, एग्रीकल्चर सब्सटेंस टाइप ऑफ मेनली है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है स्मॉल होल्डर फार्मर्स की हमें चिंता करने की जरूरत है। समिट फोकसेस ऑन सिक्योरिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स In order to ensure that millions of small holder farmers could adapt to impact of climate on food production, guys, यही हमारे अन्नदाता हैं, हमें इनकी सम्मान करने की जरूरत है। आइए इन बातों को और समझते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, India has committed to provide the clean cooking fuel to 80 million rural households during the summit. क्यों भाई? क्योंकि गांव में आज भी काउ डंग उपलों पे, लकड़ियों पे, बायोमास पे, गन्ने के जूस निकालने के बाद जो उसका रेसिड्यू बचा, बैगेज पे खाना बन रहा है। और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ
पॉल्यूटेंट्स एमिट कर रही हैं, जाहिर सी बात है ये चिंता का विषय है। ठीक, तो क्लीन कुकिंग फॉयल 80 मिलियन रूरल हाउस होल्ड को देने का इंडिया ने कमिटमेंट किया है। स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ठीक, हमें एक लेवल तक जाके पढ़ना होगा, हमें अपनी लेवल इंप्रूव करनी होगी। ठीक, आइए इस बात को और समझते हैं गाइस। इट ऑल्सो कमिटेड टू कनेक्ट 64 मिलियन हाउसहोल्ड विथ पाइप्ड वाटर सप्लाई। आपने देखा कि कैसे ड्रिंकिंग वाटर भारत की एक गंभीर समस्या है। अभी मैंने आपको 8 PM वाली क्लास पे बताया, आगे मैं कल आपसे चर्चा करूंगा बहुत सारे स्कीम्स रिगार्डिंग दिस। सो गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइए इन बातों को और समझते हैं। गाइस, एक सवाल आपके लिए है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक, 2021 इज कॉल्ड एस COP 26। क्वेश्चन इज, ये कहां होगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। कब? November 21। UK विल चेयर द समिट। पिछली बार 25 कहां हुआ था? मैड्रिड 2019। क्या ये सही है? यस और नो, आप मुझे सोच के बताएं। ठीक, माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्फ्रेंस विल इनकॉर्पोरेट 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू UNFCCC। क्या आपको पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के प्रोविजंस याद हैं? अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति के आने के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के फील्ड में बेहतर काम होने की गुंजाइश है। ट्रंप साहब की विदाई होने के बाद एक उम्मीद जगी है, क्योंकि बराक ओबामा का भी क्लाइमेट चेंज में विश्वास था। बिडेन के इसी पार्टी के आने के कारण अभी देखा आपने कैसे WHO की तालमेल उन्होंने बैठाई। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड मीटिंग ऑफ पार्टीज टू पेरिस एग्रीमेंट एंड 16 मीटिंग ऑफ पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल, आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने अपकमिंग क्लासेस में मैं इस पे आपसे और बात करने वाला हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम आज आपसे ग्रीन टैक्स की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन इज, सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन टैक्स, कब से हम इसे शेड्यूल करने वाले हैं? ठीक, स्टेट गवर्नमेंट से भी उनकी हमने फीडबैक लेने का प्रयास किया है, बिकॉज इनपुट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इज शॉर्ट शून एंड द पॉलिसी इज शेड्यूल्ड टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम April 1, 2022। गाइस, आपके पास व्हीकल्स के भारत स्टेज नॉर्म्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, और नहीं है बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आई विल टेक अ सेशन ऑन दैट आल्सो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर करंट एग्जामिनेशन, करंट अफेयर्स। सो ग्रीन टैक्स की बात हो रही है, आखिर इन सवालों को देखिए क्या ये सही है या गलत है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, ये स्टेटमेंट ए है, आखिर ग्रीन टैक्स का प्रपोजल क्यों? क्या 25 गुना ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है पुरानी गाड़ियां? ए, अगर आप लग रहा ट्रू, गो फॉर कैपिटल टी, लग रहा फॉल्स, गो फॉर एफ। बी, 70% पोल्यूशन के लिए कमर्शियल व्हीकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप लग रहा ट्रू, गो फॉर ए, बी, टी और फॉल्स, गो फॉर एफ। देश की कुल गाड़ियों में 5% वाहन कमर्शियल है, ओनली 5% ऑफ व्हीकल्स ऑफ टोटल कमर्शियल। सी, अगर आप ट्रू, गो फॉर टी, फॉल्स, गो फॉर एफ।
सारी बातें एक एक करके स्पष्ट होंगी गाइस और क्लियर होंगी। हम ग्रीन टैक्स के सारे पहलुओं को देखने वाले हैं, कैसे, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज ग्रीन टैक्स और पोल्यूशन टैक्स, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल से इसका कोई लिंक है क्या, हाउ व्हीकल्स विल बी टैक्स्ड, व्हाट इज स्टेटस ऑफ ग्रीन टैक्स इन इंडिया, हाउ ग्रीन टैक्स विल इंपैक्ट सेल ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स एंड हाउ मारुति विल बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन टैक्स। आइए गाइस इन बातों पे चर्चा करते हैं, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे। सबसे पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैज डिसाइडेड, इसने तय किया, गडकरी साहब ने तय किया, टू इंपोज एडिशनल टैक्स ऑन ओल्ड व्हीकल्स दैट आर नो मोर फिट ऑन रोड। माय फ्रेंड्स, ऑलवेज फॉसिल फ्यूल पे रिलाई करने वाली व्हीकल्स, आपने देखा हाउ दे आर एमिटिंग ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन विच इज कैंसर कॉजिंग एंड पार्टिकुलेट मैटर्स, एंड ऑल दिस आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर लंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और श्वसन तंत्र। इसीलिए एडिशनल टैक्स को जो हम ओल्डर व्हीकल्स पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, 1 अप्रैल 22 से ऐसी प्लानिंग है, इसे हमने नाम दिया ग्रीन टैक्स, बिकॉज टारगेट इज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। जैसे ग्रीनरी फॉरेस्ट एक कार्बन सिंक की तरह बिहेव करती है, माय फ्रेंड्स, डिसीजन वाज टेकन टू कर पॉल्यूशन, और एक तरफ अगर टैक्स लगेगी व्हीकल्स मेंटेनेंस कॉस्टली होगा, बात करेंगे कैसे लगेगी, किन पे लगेगी, कितना लगेगी, बट ऑब्वियस ये एक कॉमन मैन को मोटिवेट करेगा टू स्विच टू एनवायरमेंटली फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। क्या इसका कोई लिंक, अगर हमारी गवर्नमेंट जो स्क्रैपेज पॉलिसी की बात बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, अगर इसमें प्रॉपर इंसेंटिव की बात हो, जैसा कि कुछ डेवलप कंट्रीज में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, स्पेन में है, फाइन, तो बट ऑब्वियस उन लोगों की जिनकी इकोनॉमिक स्थिति इस समय कोरोना पैंडेमिक के बाद डैमेज हुई है, वो भी शायद हिम्मत कर पाए, शायद एक ये इनडायरेक्ट बूस्ट हो टू आवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आपसे बात करूंगा इन डिटेल इन अपकमिंग वीडियोस रिगार्डिंग न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी। माय फ्रेंड्स, इस सीरीज को मैंने प्लान किया है कि हम इस पे लास्ट 2 इयर्स के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लोकेशंस, मैपिंग्स, ठीक, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इसकी बात करेंगे। सो ग्रीन टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉल्यूशन टैक्स और एनवायरमेंटल टैक्स। This tax is an excise duty on goods that results into environmental pollutants. लेकिन ज्यादा बेहतर इस बात को ऐसे समझते हैं, टैक्स विल एनकरेज बिहेवियर चेंजेस इन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस पॉल्यूशन, मेनली एम्स टू इंश्योर पॉल्यूटर्स, ठीक, ड्यूली पनिश्ड फॉर देयर पॉल्यूशन क्रिएटिंग एक्टिविटीज। जाहिर सी बात है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो क्या हम इस फील्ड में कुछ और पहलू हमने किया है, कुछ पहल किया हमने, कुछ स्टेप्स हमने लिया है, क्या दिल्ली में कुछ ऐसी बातें आपको सुनने और जानने को मिली थी, आइए इस पे प्रकाश डालते हैं। द टैक्स इन इंडिया इज रिलेटिवली न्यू ट्रेंड, लेकिन RFID टैक्स आर बीइंग गिवन, NCC कैमरास हैव बीन डिप्लॉयड एट बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स। कई बार हमने दिल्ली NCR में रूट अल्टरनेटिव्स की बात की थी, हमने एक टाइम स्लॉट फिक्स किया है जिसमें हैवी व्हीकल्स की एंट्री अलाउड नहीं है, ठीक, विद दिस कमर्शियल व्हीकल्स दैट एंटर सिटी आर मॉनिटर्ड फॉर एमिशंस इन द सिटी लाइक दिल्ली। Environmental Compensation Charges, EEC, is imposed
ऑन पॉल्यूटेंट्स डिपेंडिंग अपॉन व्हीकल साइज, बट ऑब्वियस ऐसे स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है बिकॉज इंडिया की एयर क्वालिटी इज नॉट गुड अमंग द टॉप 10 वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वी आर ऑक्यूपाइंग 6th पोजिशन. ओ माय गॉड, 6-10 में से हम हैं. आइए जरा इसके हाईलाइट्स को देखते हैं. द ग्रीन टैक्स विल रिड्यूस पोल्यूशन लेवल, ओके. इट विल ऑल्सो मेक द पोल्यूटर्स टू पे फॉर क्रिएटिंग पोल्यूशन. जाहिर सी बात है, तो चीजें समझ में आएंगी. अभी बात करेंगे हाउ, और जो रेवेन्यू का कलेक्शन होगा इट विल बी केप्ट इन सेपरेट अकाउंट, ताकि दिस अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर टैकलिंग प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन. एंड माय डियर फ्रेंड्स, नाउडेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एयर पोल्यूशन इज अ बिग कंसर्न. ठीक. सो गडकरी साहब ने कहा ग्रीन टैक्स टू बी लेविड एज अ पार्ट ऑफ रोड टैक्स. किन व्हीकल्स पे कितना परसेंट तक, लेकिन हम स्टेट्स को कंसल्ट करेंगे बिफोर इंप्लीमेंटेशन. द स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू सेट अप स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज टू मॉनिटर द परमिशन. ये उनसे कहा गया. क्वेश्चन इज, आखिर टैक्स लागू कैसे होगा? अंडर द ग्रीन टैक्स नॉर्म, ध्यान सुना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओल्डर देन 8 years, 8 वर्ष से जो पुरानी हो चुकी हैं, विल बी चार्ज ग्रीन टैक्स. तब एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट. कितना, डिपेंडिंग अपॉन सिटी, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, 10-25% ऑफ रोड टैक्स. क्या किसी व्हीकल को एग्जेम्पशन है? क्या हम ट्रैक्टर्स पे, हार्वेस्टर पे भी लगाने वाले हैं? क्या हम हाइब्रिड व्हीकल्स पे भी लगाने वाले हैं? क्या हम सीएनजी कार्स पे भी लगाने वाले हैं? नो माय फ्रेंड्स, व्हाइल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लाइक सिटी बसेस विल बी पेइंग लोअर ग्रीन टैक्स. क्यों? एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने का, रिड्यूस करने का वन पैरामीटर इज टू प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट. बट ऑब्वियस वो चीपर है, सो टैक्स विल बी लोअर. गाइस, तो आइए जरा इन बातों को और समझते हैं. व्हाट अबाउट प्राइवेट व्हीकल्स, व्हाट अबाउट पर्सनल व्हीकल्स? हैव अ लुक. अगर मैं पर्सनल व्हीकल्स की बात करूं, older than 15 years at a rate between 15-25%. Fine. Vehicles used in farming, कृषि संबंधित इस्तेमाल करने वाली vehicles, जैसे कि tractor है, harvester है, इस पे कोई tax नहीं होगा. It will be exempted from the tax. ये एक अच्छी पहल है. Fine. आइए जरा मेन पॉइंट्स को क्विक रिकैप करते हैं. द रोड ट्रांसपोर्ट एंड लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी अनाउंस्ड टू इंपोज अ ग्रीन टैक्स ऑन सर्टेन कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1, 2022. गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड दैट ग्रीन टैक्स कुड बी लेविड ऑन पर्सनल व्हीकल्स भी. कितनी, 15 वर्ष पुरानी. कितना परसेंट, 10-25%. किसका, रोड टैक्स का. कौन, पेट्रोल और डीजल व्हीकल. कब, एट द टाइम ऑफ रिन्यूएबल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. गाइस, सारे पॉइंट्स बिल्कुल हमें याद हो रहे हैं. सिमिलर टैक्स ऑन द ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल. कितनी, ओल्डर, 8 years. कब, एट द टाइम ऑफ renewable of registration certificate and the fitness certificate. So transport mein 10-25% of road tax after 8 years. Passenger mein 10-25% of road tax after 15 years. Electric vehicle hybrid exempted. Farming exempted.
फाइन, एक सिंपल क्वेश्चन यहां से मैं आपसे कल पूछूंगा, आप इसे ध्यान से सुनना, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए इस बात को समझते हैं, हाउ द ग्रीन टैक्स विल इंपैक्ट सेल ऑफ सीएनजी कार, आखिर सीएनजी कारों पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आखिर मारुति पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कैसे इनको बेनिफिट होने वाला है, आइए इन बातों को समझते हैं। सो मारुति सुजुकी लिमिटेड विल गेन मोस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट प्रपोजल टू लेवी अ ग्रीन टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, आखिर मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, देखिए आप, हाउ मारुति विल बी बेनिफिटेड अंडर ग्रीन टैक्स नॉर्म, हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड दोज व्हीकल्स दैट रन ऑन क्लीनर अल्टरनेटिव फ्यूल्स लाइक सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी विल बी एग्जेम्प्टेड। और आप जानते हो मारुति ने एक बड़ी पहल इस फील्ड में की है, हायर टैक्सेस विल बी इंप्लाइड ऑन पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स, हायर टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल कार्स क्या करेंगी, ये महंगी होंगी, मेंटेनेंस महंगा होगा, डीजल पेट्रोल की डिफरेंस कम हो चुकी है, इट विल फोर्स पीपल टू शिफ्ट टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स, ये लोगों को फोर्स करेगा कि वो दूसरे विकल्पों की तरफ जाएं, दिस विल बेनिफिट मारुति हुंडई, इनको ये फायदा पहुंचाएगा क्योंकि ये इस फील्ड में बेहतरीन काम कर रही हैं, ठीक। फर्दर कंपनीज एंड डीलर्स कैन यूज ग्रीन सेस एंड इंक्रीज परचेस कॉस्ट एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी सो एज टू इंड्यूस कस्टमर टू बाय सीएनजी व्हीकल्स, जाहिर सी बात है कि नहीं। तो मैं आपसे मारुति की बात कर रहा था, एम इज कि आने वाले 5 वर्षों में कैसे कैसे ई व्हीकल्स पे इंसेंटिव्स दी जाए, फाइन, पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाए, चार्जिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए, स्टोरेज की प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए, ठीक, ऐसी बातें हम करने वाले हैं माय फ्रेंड्स। सो मारुति इज इंडिया टॉप कार मेकर एंड हैज लार्जेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस व्हीकल्स एमंग ऑल डोमेस्टिक ऑटोमेकर्स। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन यूनिट हैज ऑल्सो प्लान टू पुश इट्स सीएनजी व्हीकल सेल टू 2 लाख यूनिट और मोर बाय ईयर 2022। अगर एक आंकड़ा देखें, इन फाइनेंशियल ईयर 2020 इस महामारी में भी मारुति सोल्ड रिकॉर्ड 1,06,443 सीएनजी व्हीकल्स, दैट मींस अराउंड 15% एवरेज ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ, जो कि काफी अच्छी मानी जाएगी आज के इस सिनेरियो को देखते हुए। सो माय फ्रेंड्स, हमें इन सारी बातों को समझना है, एग्जेम्पशंस ऑन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फार्म व्हीकल्स इज अ गुड स्टेप, लो टैक्स ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इज अ गुड स्टेप, इनपुट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इज अ ग्रेट आइडिया बिकॉज ऑलवेज इनकी इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है। माय फ्रेंड्स, मारुति इज फर्दर पुशिंग सीएनजी व्हीकल्स एज एन इको फ्रेंडली ऑप्शन एज कंपेयर टू डीजल, और इस पहल में मारुति ने क्या किया है, स्टॉप सेलिंग डीजल व्हीकल्स एंड हैज एम्बिशियस प्लान्स टू एक्सपेंड पोर्टफोलियो ऑफ सीएनजी मॉडल्स। भाई हुंडई ने भी एक्सेंट प्राइम डीजल डिसकंटिन्यू किया है, ठीक, टाटा मारुति रेनॉल्ट ने डीजल कार्स को पुल आउट करने की बात की है, BS6 नॉर्म स्ट्रिक्ट
एक्शंस लेती हैं डीजल व्हीकल्स पे. सो गाइस, मारुति हैज डिसाइडेड टू डू सो इन लाइन विद साउथ कोरियंस हुंडई विच आल्सो सेल्स सीएनजी व्हीकल्स. गाइस, कोई मूवमेंट, कोई मिशन बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के, आपके हमारे इन्वॉल्वमेंट के सफल नहीं हो सकती. क्वेश्चन इज, क्या है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? ये चर्चा में क्यों है? क्या ये पहली बार है जो ये इंडेक्स आई है या ये एनुअल है? और अगर ये एनुअल है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज पब्लिश्ड? By whom? German Watch. What are the major highlights of report? और हमारी कंट्री का रैंकिंग क्या है और इसके बहुत सारे miscellaneous points देखेंगे guys one by one. So my dear friends, Global Climate Risk Index ये annually published होती है and this is the 16th report. By whom? By German Watch. अभी बताऊंगा व्हाट इज जर्मन वॉच, ये क्या है, कहां इसका हेडक्वार्टर है, कब ये एस्टेब्लिश हुआ. द इंडेक्स एनालाइजेस इंपैक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स ऑन द कंट्री एंड द इकोनॉमी. इट एनालाइजेस, ये आपको एनालाइज करता है हाउ कंट्रीज हैव बीन अफेक्टेड बाय द इंपैक्ट ऑफ वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स. मतलब आप इस इंडेक्स में, ये इंडेक्स से आप ये समझते हो, क्योंकि ये इंडेक्स आपके लिए एनालाइज करती है कि एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट से हु सफर्स मोस्ट, किसको ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ. ठीक, यानी स्टॉर्म से, फ्लड से, हीट वेव से, एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन फैटलिटीज, डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉसेस, These are analyzed. इसकी हम करते हैं प्रॉपर एनालिसिस. आइए मेरे प्यार दोस्तों, इन बातों को और समझते हैं. Have a look on screen. So it analyzes how countries have been affected by impact of weather-related loss event. कि भाई कैसे फ्लड से, ड्राउट से, फॉरेस्ट फायर से और जो आपके स्टॉर्म से, मेनली ट्रॉपिकल साइक्लोन से क्या प्रभाव पड़ा और विश्व के कौन कौन से देश वर्ष 2019 में और 2000 से 2019 तक किनका ज्यादा प्रभाव रहा. क्वेश्चन इज, आखिर डाटा हमें कहां से मिलता है? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं डाटा की बात करूं, सो इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा फ्रॉम म्यूनिक्स रे नेट कैट सर्विस. यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट और उससे संबंधित सोशियो इकोनॉमिक डाटा का इट इज द मोस्ट ऑथेंटिक रिलायबल सोर्स. गाइस, देखते हैं वन बाय वन. माय फ्रेंड्स, सो द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 21 एनालाइज करता है टू व्हाट एक्सटेंट कंट्रीज रीजन्स हैव बीन अफेक्टेड बाय इंपैक्ट ऑफ वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स, चाहे वो स्टॉर्म से हो, फ्लड से हो, हीट वेव से हो एंड सो ऑन. ह्यूमन इंपैक्ट, कितनी फैटलिटीज हुई, कितना डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस हुआ, इसकी हम करते हैं प्रॉपर एनालिसिस. एंड गाइस, दिस इज 16th एडिशन. आइए इसको देखते हैं गाइस. सो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय जर्मन वॉच एंड एनालिसिस किस पे हो रही है? मोस्ट रिलायबल डाटा सेट्स अवेलेबल. किस पे? इंपैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डाटा रिगार्डिंग दैट. कौन करेगा पब्लिश, किसके डाटा के बेसिस पे? म्यूनिक्स री नेट कैट सर्विस. माय फ्रेंड्स, आइए सेशन को और आगे बढ़ाते हैं. आखिर एम क्या है? क्वेश्चन इज, एम क्या है? इट्स एम इज टू अंडरस्टैंड, गिव इनसाइट, कॉन्टेक्सुलाइज ऑन गोइंग क्लाइमेट पॉलिसी डिबेट्स. गाइस, क्लाइमेट पॉलिटिक्स बहुत हो रही है. आपने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर
कि आपने क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग स्टैंड को देखा। क्लियर? सो एम इज टू कॉन्टेक्चुलाइज ऑन गोइंग क्लाइमेट पॉलिसी डिबेट्स स्पेशली इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस लुकिंग एट रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ओवर द लास्ट ईयर एंड लास्ट 20 ईयर्स। हाउएवर इंडेक्स मस्ट नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव। आइए देखते हैं। सो 16th एडिशन ये आपको बताता है क्या लेस डेवलप्ड कंट्रीज आर जनरली मोर अफेक्टेड। है ना दुख की बात, करे कोई भले कोई, जिन्होंने मैक्सिमम डैमेज किया है वो अब दूसरों को बता रहे हैं डू दिस डोंट डू दिस। सो लेस डेवलप्ड कंट्रीज अभी समझेंगे ऐसा क्यों है, आर जनरली मोर अफेक्टेड देन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज रिगार्डिंग फ्यूचर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सर्व एज अ रेड फ्लैग फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी जो कि फर्दर इंक्रीज होगी रीजन में एक्सट्रीम इवेंट। गाइस आपने अपने कंट्री में भी अनयूजुअल रेनफॉल ऑब्जर्व किया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑब्जर्व किया है इवन इन आवर कंट्री एज वेल, बात करेंगे आपसे। ठीक, सो एक्सट्रीम वेदर इवेंट आर गोइंग टू बी मोर फ्रीक्वेंट मोर सीवियर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। हमने बुश फायर, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, कैलिफोर्नियन फायर, मैसिव ड्राउट्स, सीवियर फ्लड्स, ये सब हमने ग्लोबली रीजनली लोकली ऑब्जर्व किया है माय फ्रेंड्स। सो ये इंडेक्स हमारी आंखें खोलता है। सवाल ये बनता है, आप माय फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, अभी मैंने आपको बताया। सो लेट्स रिकैप सेगमेंट में हु हैज पब्लिश्ड द रिपोर्ट। आपके पास ऑप्शन है IUCN, UNO, UNFCCC, जर्मन वॉच। माय डियर फ्रेंड्स राइट इन कमेंट सेक्शन, ये चार आपके पास विकल्प है। गाइस हरी अप, राइट इन कमेंट सेक्शन हु इज पब्लिशिंग रिपोर्ट। माय डियर फ्रेंड्स इट इज बाय हरिप गाइस, इट इज बाय जर्मन वॉच। क्वेश्चन इज क्या है जर्मन वॉच, देखते हैं। जर्मन वॉच इज माय फ्रेंड्स इट इज नॉन प्रॉफिट एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 1991, बॉर्न बेस्ड जर्मनी। आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वॉज एस्टेब्लिश विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक पॉलिसी इसके रिगार्डिंग ऑन ट्रेड एंड एनवायरमेंट। अभी हमने क्या रिकैप किया, हमने रिकैप किया, आइए जरा इस बात को और समझते हैं कि इंडेक्स वॉज प्रिपेयर्ड बाई रिलीज बाई जर्मन वॉच एनजीओ बेस्ड इन बॉन जर्मनी। अगर मैं इंडिया की बात करूं माय फ्रेंड्स, सो वी आर ऑक्यूपाइंग 7th पोजिशन एज पर डाटा ऑफ 2019 अमंग द कंट्रीज दैट आर मोस्ट अफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज इन 2019, माई गॉड वी आर ऑक्यूपाइंग 7th पोजिशन। आइए गाइस इन बातों को और समझते हैं, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन इज अगर 2019 की बात करें, टॉप थ्री कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज कौन सी हैं? आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन, अगर मैं 2019 की बात करूं, सो टॉप थ्री मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज कौन सी हैं? 1, 2 एंड 3।
अगर गाइस साथ साथ याद करेंगे, बिल्कुल लर्न करेंगे, अगर मैं 2000 से 2019 की बात करूं तो कौन से टॉप थ्री कंट्रीज हैं विच आर मोस्ट अफेक्टेड, बाकी क्या हालात पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान की है और नेबरिंग रीजन की है, बांग्लादेश की है, आइए गाइस इस पे करते हैं विस्तृत चर्चा। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, ये कलर आपको स्पष्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक, सी द रीजन वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपकी वर्ल्ड मैपिंग अच्छी नहीं है, मैंने आपको बार बार समझाया है कि प्लस पे मेरा कंप्लीट कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी अवेलेबल है। गाइस चॉइस इज योर्स, क्या आप मेरी बात को एक साल दो साल खराब करने की बात मानते हो या अभी मानते हो? हाउ स्मार्ट यू आर, द मोस्ट रिसेंट डाटा अवेलेबल फॉर 2019 एंड फ्रॉम 2000 टू 2019 वे टेकन इनटू अकाउंट, और हालात ये है आपको वर्ल्ड के मैप में इनको ढूंढना है, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहमास, मोस्ट अफेक्टेड बाय इंपैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट। ओ माय गॉड, कौन कौन? मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहमास। अगर 2019 की बात करूं, सो प्यूर्टो रिको, म्यांमार एंड हाइती were the countries most affected by impact of extreme weather events। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप और एनालाइज करोगे रिपोर्ट को जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल दिया है, तो आप देखोगे ठीक कि ऑफ द 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन 2019, 6 were hit by tropical cyclone। That means intensity of tropical cyclone is more। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने प्लस पे स्पेशल क्लासेस में I have taken one session regarding tropical cyclone। आप उस सेशन को जरूर अटेंड करें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑल टूगेदर बिटवीन 2000 एंड 2019, ओ माई गॉड, 4,75,000 people lost their lives as a direct result of more than 11,000 extreme weather event globally। और इसको अगर लॉस को देखोगे आप, तो US $2.56 trillion massive loss। Storms and their direct implication, precipitation, flood का होना, भूस्खलन, landslide का होना, were one of the major cause of losses and damages। Guys, tropical cyclone, storms, flood, landslides, these are extreme events which have caused damage in 2019। Of the 10 most affected countries in 19, 6 were hit by tropical cyclone। And recent science suggests that number of severe tropical cyclone will increase with every 10th of a degree in global temperature rise। Guys, tropical cyclone formation के लिए 27 degree centigrade से temperature high चाहिए। जितनी temperature इससे rise करेगी, but obvious there will be genesis of tropical cyclone। In many case guys, आप देखोगे कि countries पे massive damage हुई है। आइए जरा इसको और समझते हैं, ठीक। पिछले वर्षों में Haiti, Philippines, Pakistan, they are recurrently affected by catastrophe। और मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज, चाहे वो लॉन्ग टर्म इंडेक्स हो, चाहे किसी एक निश्चित वर्ष के इंडेक्स हो, इनमें इनका नाम अंकित हो रहा है, दर्ज हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। सवाल बनता है क्यों, व्हाई द
डेवलपिंग कंट्रीज, व्हाई पुअर कंट्रीज आर अफेक्टेड मोस्ट, क्योंकि सवाल सिंपल है, जवाब सिंपल है, आइए इस बात को समझें। दे आर हिट हार्डेस्ट बिकॉज दे आर नो मोर वल्नरेबल टू डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ए हजार्ड बट हैव लोअर कोपिंग कैपेसिटी, इनकी कोपिंग कैपेसिटी कम है। 8 out of 10 कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय द क्वांटिफाइड इंपैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट इन 2019 में 10 में से 8 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज की बात करें तो ये बिलोंग करती हैं लो टू लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी। हाफ ऑफ देम आधी लिस्ट डेवलप्ड है। कौन कौन सी है अभी मैं आपको एक इंडेक्स की टेबल दूंगा। गाइस, ग्लोबल जो COVID-19 पेंडेमिक हुई है, जाहिर सी बात है इससे कोपिंग कैपेसिटी और कम हुई है, इकोनॉमी का डैमेज हुआ है, ठीक। बट ऑब्वियस अगर कई सारे फैक्टर्स एक साथ एक्ट करेंगे सो डैमेज विल बी मोर इंटेंसिफाइड। बोथ रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी आर सिस्टमेटिक एंड इंटरकनेक्टेड, जाहिर सी बात है। इट इज देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ क्लाइमेट, चाहे वो जियोफिजिकल हो, इकोनॉमिक हो या हेल्थ से संबंधित हो। ध्यान से सुनना, आफ्टर द इंटरनेशनल 2020 क्लाइमेट पॉलिसी ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑन द लॉन्ग टर्म फाइनेंस गोल एंड एडिक्वेट सपोर्ट फॉर एडेप्टेशन, ठीक, जाहिर सी बात है इस बात को हमें समझने की जरूरत है। भाई आपने ग्लोबल इसका इफेक्ट देखा, आइए जरा इंडिया की चर्चा करते हैं। गाइस, अगर मैं इंडिया की बात करूं, एज पर द रिपोर्ट मॉनसून कंटिन्यूड 1 month longer than normal in India in 2019. From June to end of September, 110% of the normal rainfall occurred. 1994 के बाद मोस्ट फ्लड कॉज्ड बाय हैवी रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1800 डेथ अक्रॉस 14 स्टेट्स और लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1.8 million पीपल। गाइस, हमें इसको भी समझने की जरूरत है। जाहिर सी बात है अगर रेनफॉल ना हो तो ड्राउट, क्रॉप फेल्योर, ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स, डेरलिक्ट लैंड फॉर्मेशन, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ज्यादा हो जाए, इरोजन, लॉस ऑफ फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल, फ्लडिंग, सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल एरिया, डैमेज ऑफ नंबर ऑफ क्रॉप्स, अगेन लॉस ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यानी अति कम या ज्यादा दोनों ठीक नहीं है। माय फ्रेंड्स, अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं सो मॉनसून कंटिन्यूड फॉर 1 month longer देन नॉर्मल इन ईयर 2019 और अभी मैंने आपको बताया कैसे लोगों की डिस्प्लेसमेंट होगी। जाहिर सी बात है पूरा जीवन इनका अस्त और व्यस्त हो रहा है। इंडिया ऑक्युपाइंग 7th रैंक was affected by early monsoon season, जो अभी मैंने आपसे बताया कि जुलाई से, जून से अर्ली सितंबर, और ये नॉर्मल से ज्यादा हुआ। सरप्लस रेन फ्लड ने अपनी डैमेज को इंपार्ट किया। अभी हमने समझा कि कैसे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ और कैसे डैमेज हुआ इकोनॉमी। इकोनॉमिक डैमेज एस्टिमेटेड टू बी $10 billion। गाइस, टोटल ऑफ 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन
The year 2019 was one of the most active, my God, North Indian Ocean cyclone season on record. Six of the eight cyclone, 8 में से 6, intensified to become very severe. साइक्लोन टॉपिक अब आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया. यू हैव टू गो थ्रू द टॉपिक इन डिटेल अबाउट इंट्रोडक्शन, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन, स्टेजेस फॉर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, आई पे इंपैक्ट ज्यादा होगा या आई वॉल पे, या बैंड रीजन में, या एनुलर जोन में, या आउटर रिंग में. आपको इन सारी बातों को क्लियरली समझने की जरूरत है. ऑलवेज गाइस, अगर कोई टॉपिक न्यूज में है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसके स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन आ जाए या तो डायनेमिक पार्ट से आ जाए. साइक्लोन फेनी याद है, मई 2019 अफेक्टेड टोटल 28 मिलियन पीपल, किलिंग 90 पीपल इन इंडिया एंड बांग्लादेश, कॉजिंग मैसिव लॉस ऑफ इकोनॉमी 8.1 बिलियन यूएस डॉलर. गाइस, द प्रोसेस नीड्स टू डिलीवर, क्या कहना है भाई, अ डिसीजन ऑन हाउ द नीड फॉर सपोर्ट फॉर वल्नरेबल कंट्रीज कंसर्निंग फ्यूचर लॉस एंड डैमेज इज टू बी डिटरमाइंड ऑन ए ऑन गोइंग बेसिस. कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं टू जेनरेट एंड मेक अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेस ताकि वो कोप अप कर पाए. स्ट्रेंथनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स फॉर अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है. माय फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की रैंक कितनी है 2019 के अकॉर्डिंग. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंक्स कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं. 2020 से 2019 के ओवरऑल डाटा के अकॉर्डिंग हु इज ऑक्यूपाइंग टॉप थ्री पोजिशन. आइए गाइस, इन बातों को और रिकैप करते हैं. सो वी आर ऑक्यूपाइंग 7th रैंक. हमें और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन पे काम करने की जरूरत है. गाइस, टुमारो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट करंट अपडेट्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, सेम टाइम 10:30, डोंट मिस. तो मैं आपसे बता रहा था, 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन केम्स इन इंडिया. उस 8 में से 6 of them intensified to be very severe. Extremely severe cyclone Fani ने कैसे damage किया, हमने इसकी बात करी. 4,75,000 people lost their lives direct or indirect. 11,000 extreme event in the duration of 2000 to 2019. That is why guys, this index is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी आंखें खोलती है. ठीक, सो मैंने आपको लॉस की बात करी है. आइए जरा ऑलवेज साइक्लोन की बात करेंगे. साइक्लोन्स आर लो प्रेशर एरिया, एंटी साइक्लोन्स आर हाई प्रेशर एरिया. ठीक, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. दिस इज फ्रॉम 2000 टू 2019, देखना जरा. प्यूर्टो रिको, म्यांमार, हाइती. ठीक, थैंक गॉड वी आर नॉट इन द लिस्ट. इस ड्यूरेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर मैं इवेंट की बात करूं, सो इट इज इन फिलीपींस 317 इवेंट्स. अगर मैं लॉसेस पर यूनिट जीडीपी परसेंटेज की बात करूं, माय डियर फ्रेंड्स, कि भाई कहां पे लॉसेस पर यूनिट जीडीपी परसेंटेज पे मैक्सिमम हो रही है, तो आपके पास डाटा अवेलेबल है बहमास का.
अगर मैं 2019 की बात करूं माय फ्रेंड्स, सो इंडिया इज ऑक्युपाइंग सेवेंथ रैंक, ठीक। फर्स्ट इज मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी, अफगानिस्तान, साउथ सूडान, नाइजर एंड बोलिविया। माय फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ जर्मन वॉच, व्हेन इज ट्वाज एस्टैब्लिश्ड एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एनजीओ जर्मन वॉच। ये किस फील्ड के रिगार्डिंग डाटा देती है? क्या क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इट इज प्लेइंग एनी इंपॉर्टेंट रोल? तो इस तरह हम लोग इस सीरीज में बहुत ही ऑसम प्रिपरेशन करने वाले हैं। आप ऐसे ही बने रहें, डोंट मिस योर सेशन, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। और आप सब लोगों का इस ऑसम सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। गाइज, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें ताकि आपको ऑसम सेशंस मिले। फाइन, एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू यूज कोड अजीत लाइव, दैट इज गोइंग टू बी योर कोड ऑफ सक्सेस, कोड ऑफ डेडिकेशन, कोड ऑफ डिटर्मिनेशन, कोड ऑफ राइट डायरेक्शन। गाइज, let's crack it. See you all. Bye-bye.